दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां 1 अक्टूबर को वोट पड़ने वाले हैं और 4 तारीख को उसके नतीजे आएंगे। अभी से ही काफी उत्सुकता हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है और इस संदर्भ में एक लोकपोल नाम की एक एजेंसी ने सर्वे किया है और उस सर्वे के नतीजे हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन उस नतीजों को बताने के पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अप्रत्याशित रूप से 2014 में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ी थी, जबकि उसके ठीक पहले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बहुत कमजोर थी। लेकिन उसके बाद जब उनकी सरकार बनी तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने और लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे और चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले ही उनकी जगह नए मुख्यमंत्री आए हैं और आज की तारीख में वहां ये कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो उसी के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लोकपोल का जो सर्वे है उसका डेटा कहता क्या है, किसकी सरकार बनने वाली है। अगर आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो हरियाणा में 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 58 से 65 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिखाई। अगर ये नतीजे सच साबित होते हैं तो वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी विजय होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी पराजय। इसके साथ साथ अगर हम वोट शेयर पर नजर डालें तो हरियाणा के चुनाव सर्वे में यह स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को 46 से 48% वोट मिल रहे हैं, बीजेपी को 35 से 37% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं, अन्य के खाते में 7 से 8% वोट मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन डेटा को अगर हम देखें 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके मद्देनजर अगर बातचीत करें तो बात और स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के लिए 2019 का चुनाव एक तरीके से हार का चुनाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जीत नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी बहुमत से 5 सीटें कम, जेजेपी को 10 और इनेलो को 1, जनहित पार्टी को 1 और स्वतंत्र यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 7 सीटें मिली थी। लेकिन जब 2019 में जब वोटों का आंकड़ा देखा गया कितने परसेंट वोट किसको मिले हैं तो कांग्रेस को 28.08% वोट मिले थे, बहुत कम था, बीजेपी से 8 कम 36.49% वोट बीजेपी को मिले थे और जेजेपी को 14.80। ये जो आंकड़े हैं दरअसल ये आंकड़े ये कहानी कह रहे थे कि 2019 में भी कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हालांकि उसको 30-31 सीटें जरूर मिली थी। लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस को 5 सीटें मिली और बीजेपी को भी 5 सीटें मिली और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था तो 47.61% यानी लगभग 19% का वोट शेयर का जंप था और बीजेपी को 46.11 यानी उनके अगर वोटों में भी देखें तो उसमें भी करीब 10% वोटों का जंप दिखाई पड़ता है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में गठबंधन के साथ 19% का जंप दिखाई पड़ा जो महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो 5-5 लोकसभा की सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बटी हुई हैं। तो अब बातचीत को शुरू करते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह सौराण और साथ ही साथ मदन मोहन झा। मदन मोहन झा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ईटीजी रिसर्च के साथ हैं, उनकी संस्था लगातार सर्वे करती रही, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करती रही है। सबसे पहले मैं मदन जी आपसे ही बात कर लेता हूँ, आप अभी हरियाणा का दौरा करके गए हैं, आपने सर्वे वर्वे किया है, ये जो लोकपोल का डेटा दिखाई पड़ रहा है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मदन जी मैं डेटा पे तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा जो जिस तरीके से आप देखिएगा जो जातिगत जो समीकरण है वहां पे जो आप जाट जो है लगभग वहां पे जाट समाज लगभग 26% के आसपास है, एससी समाज लगभग 20% के आसपास है और जो भी जैसे मुस्लिम समाज जो है वो 5% के आसपास है, ये तीनों समाज जो है सो आपको कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है इस बार। और इसके पीछे आप देखिएगा 2009 का जो चुनाव था 2014 और 2019 में जो है बीजेपी सरकार में आई, लेकिन ये चुनाव मुझे 2009 का चुनाव लग रहा है क्योंकि इस बार जो है चुनाव बाईपोलर है। 2019 में जो है जेजेपी थी आईएनएलडी थी, लेकिन इस बार आप देखिएगा जो ग्राउंड पे जो है आईएनएलडी का जो प्रभाव है वो जेजेपी से ज्यादा है, लेकिन आईएनएलडी जो भी है वो भी यमुनानगर एलेनाबाद और दबाव वाली को छोड़ के उनका प्रभाव और कहीं पे नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस का आप ओवरऑल देखिएगा तो जाट समाज में जो है सो एक ऐसा है जो लोग खुल के बोल रहे हैं जो हम कांग्रेस को इस बार वोट करेंगे।
लेकिन जब आप ओबीसी समाज में जाइएगा तो ओबीसी समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है, जो वोट जो है उनका बटा हुआ दिख रहा है, उनमें अगर आप 40 से 50 या उससे ऊपर के उम्र में बीजेपी की तरफ ज्यादा वोट है, लेकिन जब आप युवा वर्ग की ओर आइएगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा को लेके एक्साइटेड हैं और उनके पक्ष में मतदान करने के बारे में अपनी बात कह रहे हैं।